नमस्कार, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। बेहद कमाल की छोटी छोटी किचन टिप्स। नंबर एक, भिंडी काटने के तुरंत बाद कटी भिंडी में एक चम्मच नींबू का रस मिला दें, भिंडी का लसलसापन चला जाएगा। नंबर दो, मीठे बिस्किट का कुरकुरापन बरकरार रखने के लिए कंटेनर में एक चम्मच चीनी डालें, उसके बाद बिस्किट डालें, लंबे समय तक कुरकुरे रहेंगे। नंबर तीन, सब्जी और मसालों का प्रयोग। भारतीय फूड को बनाने के दौरान सभी सामग्रियों को सिलसिलेवार प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा न होने पर डिश का स्वाद बिगड़ सकता है। सबसे पहले लहसुन, फिर प्याज, उसके बाद अदरक, टमाटर, मसाले डालने चाहिए, इसके डिश का स्वाद बना रहता है। नंबर चार, मटर। खाने का स्वाद बढ़िया होने के साथ उसका लुक भी परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। आप अगर किसी डिश में मटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसका हरा कलर बनाए रखने के लिए मटर उबालते वक्त पानी में थोड़ी सी चीनी मिला दें, इससे मटर का हरा कलर बरकरार रहेगा। नंबर पाँच, मिक्सी के ब्लेड तेज करने के लिए महीने में एक बार नमक डालकर चला दें, मिक्सी के ब्लेड हमेशा तेज और बरकरार रहेंगे। नंबर छः, भिंडी काटने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। भिंडी कट टाइम चाकू पर थोड़ा सा नींबू लगा लें, ऐसा करने से चाकू और हाथ लिसलिसे नहीं होंगे। नंबर सात, चावल को कीड़ों से बचाने के लिए चावल में थोड़ा नमक मिलाकर रख दें, चावल में कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर आठ, पकौड़ी या पूरी बनाते समय तेल में एक चुटकी नमक डाल दें, पूरी या पकौड़ी तेल कम सोखेंगी और स्वाद भी ज़्यादा हो जाएगा। नंबर नौ, छोले बनाते समय ग्रेवी में एक चम्मच नींबू का रस या आधा चम्मच इमली का रस डाल देने से छोले का स्वाद और स्वादिष्ट हो जाता है। नंबर 10, मिलावट से बचने के लिए कुछ मसालों को साबुत लेकर घर पर मिक्सी में पीसें, जैसे धनिया, सौंफ, जीरा, राई, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर आदि सभी आसानी से पीस जाते हैं। नंबर 11, चीनी या बूरा में अगर चींटी हो जाए तो चीनी के डिब्बे में 8-10 लौंग डाल दें, चींटी अपने आप निकल जाएंगी। नंबर 12, मैदा और सूजी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अच्छे से पैक करके फ्रिज में रखें, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। नंबर 13, रोटी जैसी मोटी मलाई निकालने के लिए दूध को उबालकर ठंडा होने दें, फिर दूध को 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, मलाई रोटी जैसी मोटी निकलेगी। नंबर 14, हरी मिर्च की डंडी तोड़कर और अगर कोई पत्ता हो तो निकालकर कपड़े से पूंछकर स्टोर करें, एक महीने तक खराब नहीं होगी। नंबर 15, दूध फाड़ने के बाद निकले हुए दूध के पानी को खराब न करें, उस पानी से आटा गूंथ लें, पौधों में दें या दोबारा दूध फाड़ने के काम भी आ जाएगा। नंबर 16, दही बड़े बनाने के लिए पिसी हुई उड़द की दाल में थोड़ी सी सूजी मिलाकर फेंटें, दही बड़े नरम और स्पंजी या रसीले बनेंगे। नंबर 17, दालों को डिब्बों में स्टोर करने से पहले अगर संभव हो तो दालों को धूप में रखने के लिए रखें, नहीं तो डिब्बों में 8-10 लौंग डाल दो, दालों में कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर 18, दही जमाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध ज़्यादा गर्म और जामन ज़्यादा खट्टा ना हो, और दही जमने के बाद ठंडी जगह पर रखें, दही खट्टी नहीं होगी। नंबर 19, मावे के गुलाब जामुन नरम और रसीले बनाने के लिए मावे का 1/4 पनीर या छेना मिक्स करें। नंबर 20, अगर आप सब्जी बना रही हैं और सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करनी है तो सब्जी में ब्रेड फ्राई करके क्रश करके डाल दें, ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और स्वादिष्ट भी। नंबर 21, किसी भी तरह से अगर दही खट्टी हो जाए, दही को ठीक करने के लिए हमें जरूरी के हिसाब से ठंडा दूध मिलाएं, दही सामान्य हो जाएगी। नंबर 22, चावल को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दें। भटूरे बनाते समय मैदा में सूजी मिलाने से भटूरे बेलने में आसानी होती है और भटूरे सॉफ्ट भी बनते हैं। नंबर 23, मक्की की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने के लिए पानी की जगह चावल की माड़ का इस्तेमाल करें, ऐसा करने से बेलते समय आपकी रोटी टूटेगी नहीं। नंबर 24, सबसे बड़ी समस्या प्याज काटते समय आंसू आना, बस जरूरत पड़ने पर आधे घंटे के लिए प्याज को फ्रिज में रखें और आप बिना आंसू बहाए उसके स्लाइस कर सकते हैं।
नंबर 25, राजमा या छोले बनाना चाहती हैं लेकिन रात भर उन्हें भिगोना भूल गए हैं, बस उनको उबलते पानी में डालें, ढक्कन के साथ कवर करें और एक सीटी लेकर 30 मिनट धीमी आंच पर अवश्य रखें, छोड़ दें और जैसे आप उन्हें बनाती हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएं। नंबर 26, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है लेकिन हर किसी को करेला टेस्टी नहीं लगता। करेले की कड़वाहट खत्म करने के लिए कटे हुए करेलों को एक चम्मच नमक डालकर 2 घंटे के लिए रख दें, पानी से 2 या 3 बार धोकर अच्छे से पकाएं। नंबर 27, सब्जी को ताज़ा रखने के लिए फ्रिज के वेजिटेबल स्टोरेज वाले सेक्शन में कागज के तौलिए या पतला मुलायम सूती कपड़ा बिछाएं और फिर सब्जी और फ्रूट को रखें। नंबर 28, कढ़ी बनाते समय जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आएगा तब तक कढ़ी को घुमाते रहना चाहिए, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। नंबर 29, शक्कर में अगर चींटी हो जाए तो शक्कर के डिब्बे में 4-5 लौंग डाल दें, चींटी अपने आप चली जाएगी। नंबर 30, यदि दही वाली अरवी या दही वाले आलू बना रहे हैं तो उनमें नमक अंत में छिड़का जाता है जब ग्रेवी पकाकर गाढ़ी हो जाए, पहले नमक डालने से दही फट जाती है और सब्जी में दही का स्वाद भी नहीं आता है। नंबर 31, पिसे हुए मसालों को सुरक्षित रखने के लिए मसालों को कांच के जार में रखें। अगर आपको मेरे किचन टिप्स पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।